वेलकम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस कराते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर अपलोड कर लिए हैं, फ्रिक्शन भी और पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर भी। उनके एमसीक्यूज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके, एमसीक्यूज़ के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 8 साइंस एमसीक्यूज़, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं शुरुआत आज के अपने इस वीडियो की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, बोला हर जो भी स्पर्म होता है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल का होता है। बिल्कुल ये ट्रू है, पहले को, ठीक है, पहला ट्रू है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इज ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम द सेल कॉल्ड गैमेट, जो नया इंसान बनता है, ठीक है, वो अगर आपने रिप्रोडक्शन का टॉपिक अभी, लेकिन आप एमसीक्यूज़ देख लीजिएगा। ठीक है, जो नया ऑर्गेनिज्म, जो नया इंसान डेवलप होता है, ठीक है, तो वो बोल रहा है गैमेट से होता है, गैमेट से नहीं होता है। ठीक है जी, ओके, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, जो एग है फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक ही सेल का बना होता है, वो एक सेल का नहीं होता, वो दो सेल का होता है। ठीक है, तो ये भी जो है स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमारे पास जायगोट बन जाता है और उसमें दो सेल इन्वॉल्व होते हैं, मेल सेल भी, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। ठीक है जी, वेरी गुड। अ जायगोट इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोल रहा जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप ट्रू लिखिएगा। ठीक है, वेरी गुड, कि जायगोट हो गया, जो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे, तो उसके बाद बच्चे की जो पहली शुरुआत होती है, दैट्स कॉल्ड एज जायगोट। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स, बोला जो फ्रॉग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मैडक जो है उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, बोल रहा है एम्ब्रियो जो होता है वो सिंगल सेल का बना हुआ होता है, ये बिल्कुल फॉल्स है। एम्ब्रियो जो है वो टू सेल्स का बना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एम्ब्रियो मान लें आप, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो पहले स्टेज में, तो दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो वो एक सेल का तो नहीं होता, उसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओविपोर्स एनिमल इज दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, बोल रहा ओविपोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, यंग वंस होकर बच्चे पैदा करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ओविपोर्स उनको बोलते हैं जो हैच करते हैं, यानी कि जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको हम ओवीपोर्स बोलते हैं। तो जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं उनको वीवीपोर्स बोला जाता है, तो ये फॉल्स है, याद रखिएगा, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हिंज, और जो हिंज हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद नाइन्थ इज द एग आई पॉट द हिंज गिव बर्थ टू चिक लाइक ह्यूमन बींग्स, बोल रहा है हिन्स जो होती हैं वो ऐसे ही बर्थ करती हैं, उनको ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं, चिक्स पैदा होते हैं जैसे इंसानों को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को छोटा बेबीज पैदा होते हैं, बिल्कुल फॉल्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज एमोबा रिप्रोड्यूस बडिंग, बोला जो एमोबा है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो यानी कि और जो उसके ऑर्गेनिजम्स हैं, जो और एमोबा हैं वो बडिंग से पैदा होते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है? बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये ट्रू है, जो बाइनरी फिशन है दैट्स एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोनिंग इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ, क्लोनिंग इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, ये भी फॉल्स है। ठीक है, क्लोनिंग एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो चलिए यहाँ तक पूरा हो चुका है, नाउ लेट्स मूव अहेड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ डैश डैश इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, किसकी वजह से जो है लाइफ चल पाएगी, तो दैट्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की वजह से लाइफ चल पाएगी। ठीक है, पहले में आएगा रिप्रोडक्शन, ओके गुड। सो सेकंड इज द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको क्या बोला जाता है, दैट आर कॉल्ड एज गैमेट्स, उनको गैमेट्स बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड, गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड, जब दो गैमेट्स मेल और फीमेल आपस मिल जाते हैं तो वहाँ पे एक नया सेल बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड एज जायगोट, उसको क्या बोला जाता है, जायगोट, जेड वाई जी ओ टी, जायगोट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, जब गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन,
क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द अदर नेम ऑफ द एग सेल, इज एग सेल का दूसरा नाम क्या है, एग सेल का दूसरा नाम ओवम है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। फिर अगला, इन ह्यूमन इज वन मैच्योर एग ओवम इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट एवरी 28 डेज, है ना, कितने दिन के बाद, हर इन या मंथ के बाद, आप एवरी मंथ भी बोलें, एवरी 28 डेज वन ऑफ द ओवरी, एक ओवरी की ओर से, ठीक है, एक ओवरी से रिलीज होता है एवरी वन मंथ, याद रखिए। नेक्स्ट इज एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज, जो एग ले करते हैं, जो अंडे डालते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, देयर आर कॉल्ड एज ओविपेयर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द काउ इज डैश डैश एनिमल वायर एज द ऑस्ट्रिच इज डैश डैश एनिमल, काउ जो है वो क्या करती है, वो बच्चे पैदा करती है, तो इसलिए वो कौन सी एनिमल हो गई, दैट इज कॉल्ड एज विवीपर्स, ठीक है, और जो ऑस्ट्रिच है वो अंडे देती है, दैट इज कॉल्ड एज ओविपेयर्स, ठीक है, वेरी गुड। अगला, द चेंज ऑफ कैटरपिलर इनटू एडल्ट सिल्क मॉथ इज कॉल्ड, बोला जो कैटरपिलर को जब वो एडल्ट मॉथ बन जाती है तो उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एंड नेक्स्ट इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टैडपोल, याद रखिएगा, टैडपोल। नेक्स्ट इज द टू कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर, जो कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से एनिमल्स के अंदर, बाइनरी फिशन और बडिंग, याद रखिए। एंड नेक्स्ट इज डॉली द शीप, एक डॉली शीप जो है प्रोड्यूस की गई थी, वाज बाय अ टेक्निक कॉल्ड, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग, क्या बोला जाता है, क्लोनिंग, याद रखिएगा, ओके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओकस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, इन फीमेल बॉडी, ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द जायगोट इज, न्यूक्लियस के अंदर जायगोट प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, दैट्स टू, याद रखिएगा, कितने होते हैं, टू। तो चलिए जी आगे, डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, बोले जो टैडपोल है वो एक फ्रॉग बन जाता है एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद जल्दी क्या हो जाता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आएगा जायगोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें से कौन ऐसा हिस्सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है, दैट्स ओविडक्ट, याद रखिए, ओविडक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है, ओविडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डजंट शो मेटामॉर्फोसिस, बोलो इनमें से कौन सा एनिमल है जो मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेटामॉर्फोसिस जो है फिश नहीं शो करती है, ठीक है, ओके, और रैट भी नहीं शो करता है, लेकिन एक आपको ऑप्शन होगा वहाँ पे, टैडपोल इज ए लार्वा ऑफ, टैडपोल जो है वो लार्वा है किसका, दैट इज लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ओके। तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, वैसी एग्जैक्ट कॉपी होगा वैसा ही बनाना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फ्रस्कुल ऐसे तो वुछमुत, ठीक है, ब्याक चासन त्यू थी, ठीक, ओके। तो ये जो ऐसी रिप्रोडक्शन है तो इसको क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड इज क्लोनिंग, ठीक है, ओके, जैसा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना उसी के जैसा एनिमल प्रोड्यूस करना बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स कॉल्ड इज क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, दैट इज स्क्रोटल सैक, ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू, जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किस लिए, टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव, ठीक है, इज अलाइव नहीं है यहाँ पे, अलाइव है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ओकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एज वेल एज द ह्यूमन, इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमनिज के भी अंदर होता है, दैट्स ओवरी, ठीक है, ओवरी दोनों के अंदर होती है, ओके। लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमनिज मेल टेस्टीज लाई इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन, किस लिए होते हैं ये, इसलिए होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, द एग्जैक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फिर अगला क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज, बोले जो करेक्टरिस्टिक्स, जो खासियत माँ बाप की, पेरेंट्स की, अपने बच्चे में पैदा हो जाती हैं, चली जाती हैं, ऑफस्प्रिंग हो गया बच्चा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज, तो क्या शो करती हैं, बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस वेरिएशन विद पेरेंट्स, कुछ शक्ल मिल रही होती है, ये पर एस वन छ नाश्यम, ठीक है, या ऐसे ही बोलते हैं कान छ एम एस
बचपन समाज ही, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हो गई हमारी सिमिलरिटी और वेरिएशंस, ठीक है। ओके वेरिएशंस जैसे बोलते हैं ये नचिन एम्स पानी मोदे से तरह नहीं कि थोड़ा डिफरेंट, मगर एम सी अच्छे एमस ऐसे ऐसे बोलते हैं ना एम से कान रालान माज से, ये जो है डिफरेंट एंड वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। ओके स्प्रिंग फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट्स मोर वेरिएशंस बिकॉज, बोला जो ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट्स मोर वेरिएशंस बिकॉज उसके अंदर थोड़ी वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशंस होती हैं क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीशीज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट इज द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड, जो अपने बच्चे पैदा करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, उनको हम बोलते हैं विवीपर्स, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टैडपोल किसका डेवलपिंग स्टेज होता है? फ्रॉग का, ठीक है, वेरी गुड। वायर डज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट का कहाँ पे जो है फ्यूजन होता है, कहाँ पे वो आपसे मिलते हैं? फ्लोपन ट्यूब के अंदर, याद रखना, ठीक है, वेरी गुड। लेट्स मूव, द सेल फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद सेल को क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एज जायगोट, ठीक है। ओके चलिए आगे, एग आर फॉर्मड इन द, एग कहाँ पे बनते हैं? एग फीमेल के अंदर बनते हैं, और फीमेल की कौन से पार्ट के अंदर? रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, दैट्स ओवरीज के अंदर। ओके हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर दियर इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं? दो टाइप्स के, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल, ठीक है। ओके तो स्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ, एक स्पर्म जो है वो किसका बना होता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? थ्री पार्ट्स, ठीक है, हेड टेल एंड मिडल पार्ट, ठीक है। ओके फीट्स इज द, फीट्स क्या होता है? वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ए जायगोट, मेल गैमेट, तो फीट्स जो है दैट्स वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स मूव अहेड, वेविपर्स ऑर्गेनिजम्स आर द वन विच, वेविपर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? शाबाश, जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, वेरी गुड। क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ, क्लोनिंग क्या है? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्चुअल है, बोथ एंड भी है, दिस असेक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपने ये समझा होगा, अच्छे से समझ आपको आई होगी, तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ढेर सा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, टिल देन गुड बाय, ब्यूरो ऑफ सवाल।